हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस विथ पाइथन के प्लॉटिंग इन पाइथन के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम उसके 10 क्वेश्चन के क्विज को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द प्लॉट मेथड ऑन सीरीज एंड डाटा फ्रेम इज जस्ट अ सिंपल रैपर अराउंड। जो प्लॉट मेथड होता है सीरीज में एंड डाटा फ्रेम में, ये एक सिंपल रैपर अराउंड है किसके? तो ऑप्शन ए है जी पी एल टी डॉट प्लॉट सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, पी एल टी डॉट प्लॉट सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, पी एल टी डॉट प्लॉट ग्राफ सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो उसका सही आंसर है पी एल टी डॉट प्लॉट सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, ऑप्शन टू। इफ द इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ डेट्स इट कॉल्स जी सी एफ सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट डॉट ऑटो एफ एम टी लोअर केस एक्स डेट सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट टू ट्राई टू फॉर्मेट द एक्स एक्सिस नाइसली। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विथ रिगार्ड्स टू काइंड कीवर्ड फॉर ग्राफ प्लॉटिंग। तो पॉइंट आउट करने करेक्ट कॉम्बिनेशन जो रिगार्ड्स कीवर्ड फॉर ग्राफ प्लॉटिंग, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए जो कीवर्ड यूज करते वो करेक्ट हो। तो ए हिस्ट फॉर हिस्टोग्राम, बी बॉक्स फॉर बॉक्स प्लॉट, एंड सी एरिया फॉर एरिया प्लॉट, एंड डी इज ऑल ऑफ द मेंशन अबो। मतलब बाकी के तीनों सही है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबो। द काइंड कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ प्लॉट एक्सेप्ट्स अ हैंडफुल ऑफ वैल्यूज फॉर प्लॉट्स अदर देन द डिफॉल्ट लाइन प्लॉट। तो हिस्ट फॉर हिस्टोग्राम यूज किया जाता है, बॉक्स फॉर बॉक्स प्लॉट एंड एरिया फॉर एरिया प्लॉट्स, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय द काइंड कीवर्ड फॉर बार प्लॉट। तो नीचे दिए गए में से कौन सी वैल्यू ये जो प्रोवाइड होती है काइंड कीवर्ड फॉर बार प्लॉट, बार प्लॉट कीवर्ड यूज़ करने के लिए, बार प्लॉट यूज़ करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी ए के डी ई, ऑप्शन सी ए हिक्स बीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है बार प्लॉट के लिए? तो बार प्लॉट के लिए ऑप्शन ए बार यूज़ किया जाता है, बार कैन ऑल्सो यूज फॉर बार प्लॉट। क्वेश्चन नंबर फोर, यू कैन क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स यूजिंग द स्लैश मेथड इन पांडास डॉट टूल्स डॉट प्लॉटिंग। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, यू कैन क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स, आप एक स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द ब्लैंक मेथड। किससे, किसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं? तो ब्लैंक मेथड इन पांडास डॉट टूल डॉट प्लॉटिंग्स, कहाँ पे आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं? पांडास डॉट टूल्स डॉट प्लॉटिंग में। तो ऑप्शन ए एस सी ए लोअर केस मैट्रिक्स, स्कैटर लोअर केस मैट्रिक्स, डाटा फ्रेम डॉट प्लॉट, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो सही आंसर है स्कैटर लोअर केस मैट्रिक्स। यू कैन क्रिएट डेंसिटी प्लॉट्स यूजिंग द सीरीज स्लैश डाटा फ्रेम डॉट प्लॉट। आप डेंसिटी प्लॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं किससे? तो सीरीज स्लैश डाटा फ्रेम प्लॉट की मदद से। क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट आउट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन विथ रिगार्ड्स टू काइंड कीवर्ड फॉर ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आप कौन से, इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है जिससे रिगार्ड्स काइंड कीवर्ड ग्राफ प्लॉटिंग के से? तो फर्स्ट है स्कैटर फॉर स्कैटर प्लॉट्स, के डी फॉर हेक्सागोनल बीन प्लॉट्स, पाई फॉर पाई प्लॉट्स, एंड डी इज द नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो रॉन्ग है के डी फॉर हेक्सागोनल बीन प्लॉट्स, ये है इसका आंसर। के डी इज यूज फॉर डेंसिटी प्लॉट्स, के डी किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डेंसिटी प्लॉट्स के लिए। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, स्कैटर फॉर स्कैटर प्लॉट्स सही है, पाई फॉर पाई प्लॉट्स भी सही है, लेकिन के डी ए फॉर हेक्सागोनल बीन प्लॉट्स गलत है। के डी ए किसके लिए यूज होता है? तो डेंसिटी प्लॉट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर यूज टू चेक इफ ए डाटा सेट और टाइम सीरीज इज रैंडम। नीचे दिए गए में से कौन सा प्लॉट से चेक किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि डाटा सेट और टाइम सीरीज ये रैंडम है कि नहीं? तो कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए लैग, ऑप्शन बी रैंडम, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। उसका सही आंसर है
ऑप्शन ए लैग। रैंडम डाटा शुड नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रक्चर इन द लैग प्लॉट। रैंडम डाटा है शुड नॉट एग्जिबिट मतलब एग्जिबिट नहीं होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर में जो लैग प्लॉट में है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉट्स में ऑल्सो बी एडॉर्न्ड विथ एरर बार्स और टेबल्स। प्लॉट्स में भी अडॉर्न्ड हो सक किया जा सकते हैं विथ एरर बार्स और टेबल्स। कैसे? तो एरर बार्स और टेबल्स हैं, तो ये सही है या गलत है? तो ये सही है। देयर आर सेवरल प्लॉटिंग फंक्शंस इन पांडास डॉट टूल्स डॉट प्लॉटिंग। जो यहाँ पे सेवरल प्लॉटिंग फंक्शंस है जो पांडास डॉट टूल्स डॉट प्लॉटिंग में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर चेकिंग रैंडमनेस इन द टाइम सीरीज। नीचे देखिए में से कौन सा प्लॉट्स है ऑफ्टन यूज किया जाता है किसके लिए? तो रैंडमनेस इन टाइम सीरीज चेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए ऑटो कॉजेशन, ऑप्शन बी है ऑटो रैंक, ऑप्शन सी ऑटो करिलेशन कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन सॉरी ऑटो कोरिलेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो कौन सा प्लॉट यूज़ किया जाता है रैंडमनेस चेक करने के लिए टाइम सीरीज में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑटो कोरिलेशन। इफ द टाइम सीरीज इज रैंडम सच ऑटो कोरिलेशन शुड बी नियर जीरो फॉर एनी एंड ऑल टाइम लैग सेपरेशंस। अगर टाइम सीरीज रैंडम है तो जो सच ऑटो कोरिलेशन शुड बी नियर जीरो, जो ऑटो कोरिलेशंस होते हैं वो जीरो के बहुत ही करीब होने चाहिए। किस फॉर एनी एंड ऑल टाइम लैग सेपरेशन, किसी भी और सभी टाइम लैग सेपरेशंस में। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक प्लॉट्स आर यूज्ड टू विजुअली असेस द अनसर्टेनिटी ऑफ स्टैटिस्टिक। जो अनसर्टेनिटी होती है स्टैटिस्टिक्स की वो विजुअली देखने के लिए कौन सा प्लॉट यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लैग, ऑप्शन बी है रेडविज, ऑप्शन सी है बूटस्ट्रैप एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो सही आंसर है बूटस्ट्रैप। तो रिजल्टिंग प्लॉट्स एंड हिस्टोग्राम्स आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बूटस्ट्रैप प्लॉट। जो रिजल्टिंग प्लॉट्स होते हैं और हिस्टोग्राम्स होते हैं आर द ये कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं बूटस्ट्रैप प्लॉट के। क्वेश्चन नंबर 10, एंड्रूज कर्व्स अलो वन टू प्लॉट मल्टी वेरिएट डाटा। एंड्रूज कर्व्स जो होते हैं वो अलो होते हैं वन टू प्लॉट मल्टी वेरिएट डाटा अलो करने के लिए। तो उसका ऑप्शन है ये ट्रू है या फाल्स है। तो एंड्रूज कर्व्स अलो होते हैं वन टू प्लॉट मल्टीवेरिएट डाटा के लिए, तो ये सही है। कर्व्स बिलोंगिंग टू सैम्पल्स ऑफ द सेम क्लास विल यूजुअली बी क्लोजर टुगेदर एंड फ्रॉम लॉन्गर स्ट्रक्चर, तो ये सही है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने डाटा साइंस इंजीनियरिंग डाटा एनालिसिस पाइथन में प्लॉटिंग इन पाइथन की क्विज कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए खुद को मोटिवेट रखिए, स्टडी के लिए ऑलवेज रेडी रखिए अपनी बॉडी और माइंड को। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्दी नया वीडियो लाकर आपको आपके सामने पेश करेंगे।